हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज रात क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग हर किसी के लिए है, यानी कि आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में जोन में हो अपने पार्टनर के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखो, या आप ये रीडिंग उनके लिए भी देख सकते हो जो लोग आपसे काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। ध्यान रखिएगा जितना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइम बेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। ओके, क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है। सेपरेशन की एनर्जी आई है। ओके, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है। अबंडेंस की एनर्जी आई है। ओके, पॉसिबिलिटीज की एनर्जी आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी, ठीक है। अवेयरनेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपके कार्ड में ना, कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके साथ खुश बड़ा रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपके साथ। आपके साथ इनकी खुशी, आपके साथ इनका मन लगना, आपके साथ इनकी जो वाइब है वो मैच करना काफ़ी अच्छा लगता है इनको, आपसे जो है बातें करना, या आपके साथ रिलेशनशिप में परफेक्ट तरीके से मैच बैठता है आपके पार्टनर का, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं आपका और इनका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का है कि मतलब वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ये पर्सन को पॉजिटिव फील होता है आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ पॉजिटिव इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनके साथ हो, आप इनके इनके साथ इसलिए भी हो क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की खुशी में आप ही आप दिख रहे हो, ठीक है। इनकी खुशियाँ, इनकी बातें, इनकी एनर्जीज़, है ना, हर तरीके से जो है ना कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी, मुझे ऐसी वाइब दिखाई दे रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सॉरी मैं इस कार्ड को फिर एनर्जी क्लियर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस कार्ड को यूज़ नहीं करने का है, मुझे दूसरे कार्ड यूज़ करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि अब आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना, वो सेलिब्रेशन की एनर्जी से क्या और सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ही आ गए हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखो, थ्री ऑफ कप्स अगेन आया है, थ्री ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके साथ ही खुश रहते हैं, इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, ये पर्सन अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि आप में कहीं ना कहीं सब कुछ है, आप में ही सब कुछ दिखता है, आप में ही कहीं ना कहीं इनको हर एक एनर्जी फील होती है, आप में ही कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि पर्सन आपको ही अपना सोलमेट या आपको ही अपना लाइफ पार्टनर ये पर्सन मानते हैं। मुझे ऐसी वाइब, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ
नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं, तो इनकी इच्छा या कहे तो इनका मन कहीं नहीं लगता है आपके बगैर, ठीक है, क्योंकि इनका जो मन है वो आपको ही खोजता है बार 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 बार, इनका मन इनका दिल जो है आपको ही खोजता है, ठीक है। कमिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करे, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे जहाँ तक दिखता है कि जो पर्सन है पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, पास्ट में भी इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी होंगी जो इनके लाइफ में काफ़ी मैटर करती हैं, इनके लव लाइफ में काफ़ी मैटर करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ज़िंदगी भर कभी भुला नहीं पाते हैं, और वो बातें बार 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 हमारे जीवन में रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपसे दिल से ये पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ये पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा वाइब होता है, ऐसा फील होता है कि हाँ, ये जो पर्सन है आपसे कहीं बहुत कुछ जो है, एक होता है ना कि जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी वाइब, ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो दिल है इनका आपके तरफ धड़कता है। एंड ये जो पर्सन है पास्ट में चोट खाए हुए ज़रूर हैं, बट फिर भी ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक मौका चाहते हैं, एक ऐसा मौका जिसे सब कुछ शायद सुधर सके, ऐसा मौका, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि शायद ये पर्सन सब कुछ सुधार सकते हैं एक मौका पाकर, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी भी फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मून का कार्ड है, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होता है कि ये पर्सन को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है आपके पार्टनर को। ये एंजाइटी, वो ये स्ट्रेस कभी ये पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव तो है ही, साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में है ना, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ख़राब कर चुके हैं, और इनकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी है, जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इनके मन में काफ़ी ज़्यादा दुख मुझे नज़र आ रहा है, इनके मन में काफ़ी तकलीफ मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के है ना, थोड़ा सा कभी कभी इंसान निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सोचने लगता है, तो आपके पार्टनर निगेटिव सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि ये पर्सन निगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, निगेटिविटी में है आपके पार्टनर, निगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं है जो इनके अंदर, वो गट्स फीलिंग्स जो होती है ना, वो गट्स फीलिंग्स इनके अंदर नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है ना, हिम्मत हार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मन को समझा रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं, अपने मन को, अपने दिल को समझाते हुए दिख रहे हैं। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हाँ, होता है ना इंसान को, हर इंसान को अपने अपने लाइफ की चिंता होती है, आपके पार्टनर के अंदर भी वही हो रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं आपके पार्टनर, अपने फ्यूचर में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें ये पर्सन जो जो चीज़ें शायद ये पर्सन नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें ये पर्सन शायद जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये पर्सन फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये पर्सन पुरानी यादों में अक्सर जो है ना बैठे हुए रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी यादों में ये पर्सन ने क्या किया, क्या नहीं किया आपके साथ, या किस तरीके का बिहेवियर इनका रहा, किस तरीके का एक्शन, डिसीजन इस पर्सन ने आपके साथ लिया, वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं।
ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से पॉजिटिव फील कराते थे, बहुत पॉजिटिव फील कराया इस पर्सन ने, नो डाउट। बट अब जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं, अब आपके पार्टनर के इमोशंस ऐसे हैं, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सही मायने में ये पर्सन जो है ना, मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ये पर्सन थोड़ा सा मतलब निगेटिव हो गए हैं, लेकिन हाँ ये पर्सन कुछ पॉजिटिव भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को है ना मैनेज करने की एनर्जी में है, यानी कि अपने आप को बहुत बैलेंस करने की एनर्जी में है। बैलेंस करना ज़रूरी है, बैलेंस करना बनता है, बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ें ये पर्सन बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी के साथ मुझे 5 of Cups का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि देखिए ये पर्सन बहुत अफसोस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो एग्जैक्ट हो नहीं पाई हैं। ठीक है, इनके ज़िंदगी में जो चीज़ें मतलब मायने सही मायने में जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ें इनके ज़िंदगी में सही मायने में इनके साथ जो है होना चाहिए, या इनके साथ एक होता है ना कि हाँ ये डिज़र्व करते हैं, ये पर्सन को लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे साथ तो ये होना ही चाहिए, तो ये पर्सन के साथ हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही परेशान मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर के बहुत उदास होकर के बैठे हैं, ऐसा लगता है कुछ चीज़ें कुछ बातें आपने भूली हैं, जो कि ये पर्सन के दिल से दिमाग से निकल नहीं रहा है, और ये पर्सन भुलाना तो चाह रहे हैं लेकिन भुला भी नहीं पा रहे हैं, ये भी है, ये पर्सन के अंदर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन भुलाना चाह रहे हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें इनके ऊपर जो है इफ़ेक्ट ज़रूर डाल रही हैं, लेकिन होता है ना कि हाँ कभी कभी लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं अपने आप को हमें थामना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर तो भाई हमारे साथ खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, तो वो ऑब्स्टिकल्स आपके पार्टनर की लाइफ में आती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अयास, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके साथ है ना देखिए आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, एंड 5 of Cups का कार्ड जो कि बताता है कि आपके रिलेशनशिप में 5 of Cups की एनर्जी है। 5 of Cups का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ आपके पार्टनर बहुत उदास है, बहुत 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 उदास है, जैसे कि इनके सपने ही टूट गए हैं, जैसे कि इनकी जो वाइब थी वो जो पॉजिटिव वाइब थी वो निगेटिव वाइब में जो है ना कन्वर्ट हो गई है, ये पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। सो द स्टार, ये पर्सन सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सपने देख रहे हैं आपके साथ, है ना, आपके साथ अपने रिलेशनशिप के रियूनियन के सपने देखते हुए दिख रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि जो पर्सन है ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप के रियूनियन के सपने भी देख रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना कि सपनों को लेकर के बहुत सोचना समझना विचार करना। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर द स्टार की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन जो है ना कहीं ख्वाहिशों को पाल रहे हैं, ख्वाहिशों में हैं आपके पार्टनर, ख्वाहिशों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश ये पॉसिबल हो जाए, काश वो पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के बहुत समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, एंड ये पर्सन को काफ़ी कुछ एक तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के है ना
दिखाना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर देखूँ तो मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मुझे, इतना कार्ड समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज की रात ये सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म, और अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।